शारदीय नवरात्र के आठवें दिन रविवार को माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप माता महागौरी की पूजा भक्तिमय माहौल में विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार और सप्तशती पाठ के साथ की गई। रविवार को हर्षोल्लास के साथ भागलपुर जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्गा मंदिरों एवं पूजा पंडालों में स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमा के साथ भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कार्तिकेय और माँ सरस्वती की पूजा नियम पूर्वक की गई। इस दौरान अलग अलग जगहों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने महाअष्टमी पर माता के दर्शन कर माँ महागौरी की पूजा की। वहीं महाअष्टमी पूजन को लेकर सुबह से माँ महागौरी की पूजा के लिए मंदिरों में भीड़ जुटनी शुरू हो गई और पूरा मंदिर एवं पंडाल परिसर दुर्गा सप्तशती पाठ, भक्ति गीत और माता रानी के जयकारों से गूंजता रहा, जिससे हर ओर माहौल भक्तिमय हो गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवी दुर्गा का आठवां स्वरूप वृषभ की सवारी करने वाली माँ महागौरी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जब कठोर तपस्या की तो उनका सारा शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या पूरी होने पर महादेव के दर्शन के बाद उनका मुखमंडल और शरीर गौर नवर्ण का हो गया, जिस कारण इनका नाम महागौरी पड़ा। धर्मशास्त्रों के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्राप्ति के लिए माता सीता ने माँ महागौरी की पूजा की थी। माँ महागौरी को सफ़ेद और पीला रंग अत्यंत प्रिय है, जिस कारण इनकी पूजा सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र, फूल, फल और मिठाई के साथ की जाती है। वहीं बंगला समेत कई दुर्गा पूजा पंडालों में महाअष्टमी के दिन आदि शक्ति देवी को खिचड़ी भोग और बलिदान की भी परंपरा है। इस दिन तुलसी के पास नौ दीपक जलाकर परिक्रमा करने और पूजा के बाद देवी स्वरूप कन्या पूजन का विशेष विधान है। अश्वनी मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को की जाने वाली महाअष्टमी पूजा सच्चे मन से करने पर विवाह संबंधित बाधाएं दूर होती हैं और माँ महागौरी की कृपा से सुख, समृद्धि और मनोकामना पूर्ण के साथ शत्रु पर विजय और समस्त पापों का नाश होने के साथ सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। महाअष्टमी पूजा में नारियल के भोग का अधिक महत्व है, जबकि दाम्पत्य और प्रेम की देवी श्वेतांबरधारी महागौरी को लाल गुलाब और लौंग की माला भी प्रिय है। इनकी पूजा से हर प्रकार के रोग एवं नकारात्मक शक्ति दूर होती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। त्रिशूल और डमरू धारण करने वाली चतुर्भुजा माँ महागौरी के महाअष्टमी के दिन पूजन पर उपवास और देवी की कथा सुनने का भी विधान है, जबकि इन्हें शंख, चंद्र और कंद के फूल की भी उपमा दी जाती है। माँ दुर्गा की विशेष पूजा के दौरान माता को प्रसन्न और जागृत करने के लिए ढोल ढाक बजाने का भी विशेष महत्व है। खासकर बंगला विधि से माता की पूजा और आरती में ढोल ढाक बजाने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि ढाक की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जबकि सच्चे मन से आराधना करने पर हर प्रकार की समस्याएं और बाधाएं भी दूर होती हैं। इधर शहर के माड़वाड़ी पाठशाला परिसर, मुंदीचक गड़ैया, कचहरी चौक, आदमपुर चौक, बड़ी खंजरपुर, बरारी, भिकनपुर, मिर्जान हाट, मोदीनगर, गुरट्ठा चौक समेत दर्जनों आकर्षक पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ जुट रही है। वहीं नगर विधायक अजीत शर्मा भी कचहरी चौक स्थित माता के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचे और शहरवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। इसको लेकर जहां आयोजन समिति की ओर से तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, वहीं पूजा समारोह और मेला के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। भागलपुर के चर्चित धूरी यादव हत्याकांड, सिल्क व्यवसायी मोहम्मद अफजाल हत्याकांड और टिंकू अंसारी के मार्बल दुकान में गोलीबारी मामले में शामिल चार कुख्यात अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिरफ्तार अपराधियों के बारे में जानकारी दी। सिटी एसपी ने बताया कि मोहम्मद मिकाइल, मोहम्मद आदिल, मेराज आलम और रंजीत ताती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी अमित रंजन ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए तकनीकी टीम द्वारा अनुसंधान किया गया, जिसके बाद भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सिटी एसपी ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर सिटी डीएसपी अजय चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसके बाद अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी कर अपराधियों को दबोच लिया गया। जगदीशपुर के प्राचीन दुर्गा मंदिर में रविवार को महाअष्टमी के मौके पर डलिया चढ़ाने के लिए महिला श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान अहले सुबह से ही माता दुर्गा को डलिया चढ़ाने के लिए महिलाओं का हुजूम मंदिर में उमड़ता रहा, जो दिन भर जारी रहा। वहीं महिलाओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से कतार लगाकर डलिया चढ़वाया गया। इसके साथ ही माता के दर्शन एवं पूजा अर्चना के लिए भी लोगों की काफी भीड़ मंदिर में जुटती रही।
बता दें कि यहाँ दुर्गा पूजा के मौके पर 4 दिवसीय मेला का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए आसपास के दर्जनों गांव सहित दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। वहीं मेला की सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ आपदा मित्र के सदस्यों को भी लगाया गया है, जिससे किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। बिहार झारखंड सीमा क्षेत्र अंतर्गत सनोखर थाना के साहूपाड़ा महादेव स्थान स्थित सिद्धिदात्री दुर्गा मंदिर में माँ दुर्गा को डलिया चढ़ाने के लिए महिला श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सच्चे मन से श्रद्धालुओं ने मां की पूजा अर्चना करते हुए अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना की। वहीं मेला कमेटी की ओर से सुरक्षा को लेकर जगह जगह CCTV लगाया गया, जिससे असामाजिक तत्वों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। मेला में तारामाची, ब्रेक डांस समेत कई झूले लगाए गए हैं, जबकि मेला में फर्नीचर और खाने पीने की भी दुकानें सजाई गई हैं। वहीं फर्नीचर की दुकान भी काफी संख्या में लगी है। इधर सनोखर थाना पुलिस के द्वारा जगह जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि महिला पुलिस को भी भारी संख्या में तैनात किया गया है। मौके पर कमेटी के अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, कृष्णानंद सागर, अवध किशोर भगत, अमन कुमार सिंह समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। मैं पिंकी, मैं अपने पूरे जावेद हबीब टीम की तरफ से पूरे भागलपुर वासियों और पूरे देशवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं भोला कुमार मंडल, केंद्रीय विषहरी पूजा समिति अध्यक्ष एवं संरक्षक दुर्गा पूजा समिति, आज पूरे भारत वर्ष के सभी नागरिकों को हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। मैं कृष्णा यादव, आर लॉन्च टीम के सभी मेंबर भागलपुर वासियों को दशहरा दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। शोभा देवी मुखिया सोनू चक, पुरानी प्रखंड जगदीशपुर की ओर से दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर तमाम पंचायत वासियों एवं शहर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पंकज यादव, समाज सेवी, भवानीपुर देसरी पंचायत की ओर से दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर पंचायत वासियों एवं भागलपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं निरंजन चौधरी, अश्वनी कुमार चौधरी, समाज सेवी, भवानीपुर देसरी पंचायत की ओर से सभी पंचायत वासियों एवं देशवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बिहारी यादव, सरपंच भवानीपुर देसरी पंचायत की ओर से देसरी पंचायत की तमाम जनता को नवरात्र एवं विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में थानाध्यक्ष प्रिय रंजन की अध्यक्षता में 2 पुलिसकर्मियों की पदोन्नति के बाद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंचल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर मौजूद रहे। इस दौरान थानाध्यक्ष प्रियरंजन ने एएसआई पद पर कार्यरत कमल राय और रविंद्र कुमार यादव को एसआई के पद पर पदोन्नति के बाद स्टार लगाकर सम्मानित किया। मौके पर अंचल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर, महिला थाना प्रभारी किरण सोनी समेत थाने के सभी पुलिसकर्मी मौजूद थे। भागलपुर के जगदीशपुर थाने में पदस्थापित एएसआई ओम प्रकाश सिंह एवं लक्ष्मण साह को सब इंस्पेक्टर में प्रमोशन मिला। इन दोनों पुलिस अधिकारियों को सब इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के बाद इंस्पेक्टर एस प्रियदर्शनी ने एसआई का स्टार लगाकर सम्मानित किया, जिसके बाद दोनों एसआई ने खुशी व्यक्त करते हुए अपने वरीय अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।